खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां यातायात विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली। बता दें कि यातायात सूबेदार हंस कुमार झंझोर ने शहर में चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सुरक्षा की दृष्टि से रेडियम चस्पा किए, जिससे कि रात के समय चलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे पर रोक लग सकी। वहीं इस सराहनीय पहल पर ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन ने भी यातायात सूबेदार का सहयोग करते हुए स्वच्छता से अपने अपने ट्रैक्टरों पर रेडियम चस्पाया करा। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। यातायात द्वारा कल से कार्रवाई चालू थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली को सूबेदारी द्वारा रोके थे, जिसमें हमने निवेदन किया कि सर आप एक एक दो ट्राली को ना रोकते हुए एक अपन प्लेटफार्म लेते हैं, जिसपे सभी ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठी हो जाएंगे। जो आपका रिफ्लेक्टर का है, जो साइडों पे रेडियम लगाना है, पीछे फालके पे लगाना है, तो उसको एक प्लेटफार्म पे लेके तो उसी द्वारा आज सूबेदारी द्वारा यूनियन द्वारा सब ट्रैक्टर ट्रॉली इकट्ठी हुई है, जिसमें रेडियम पट्टे डाले जा रहे हैं और जिससे कोई दुर्घटना ना हो उसको लेके कार्य चल रहा है। तो जिसमें यूनियन द्वारा हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको अभी हमको भी उनका सहयोग मिल रहा है कि एक प्लेटफार्म पे काम हो रहा है। लेकिन मेरा आपका मीडिया द्वारा मैं भी एक प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह शहर में सभी जगह गड्ढे खुदे हुए, तो राजघाट से ट्रैक्टर ट्रॉली को आने को प्रबंध किया जा रहा है, रास्ता रोक दिया गया। तो अगर जिस समय तक के रास्ते का काम चल रहा है उस समय तक के अगर हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली रास्ते से आ जाएंगी तो हमको ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को थोड़ी आसानी होगी, वरना पूरा शिकारपुर से रेणुका से घूमते हुए शहर में जाना पड़ रहा, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ का विषय हो गया ट्रैक्टर ट्रॉली वालों के लिए। शेख मसूद, न्यू टापी ट्रैक्टर संचालक व्यवसाय एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी हम ट्रालियों के पीछे कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं होता है, अंधेरे में ट्रालियां खड़ी रहती है, जिससे पीछे वाले वाहन उसमें ट्राली में टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसी को चलते हुए हम सारी ट्रालियों में पीछे रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं, रेडियम रिफ्लेक्टर है। सर क्या समझाई थी उनको ट्राली वालों को समझाया कि ट्रैक्टर ट्राली कैसे काम करती है, ट्राली में जनरली कोई मैकेनिज्म होता नहीं है जिसके चलते हम उसको कंट्रोल कर पाए, इससे हादसे होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसीलिए ट्रालियों के टायरों पर विशेष ध्यान दें, बेयरिंग वगैरह का ध्यान रखें, ब्रेक वगैरह ठीक रखें, सर्विसिंग ठीक से करवाते रहें, ट्राली के ऊपर नंबर डलवाएं ताकि हादसे के समय पता पड़ पाए।